मुझे अभी सरोज मित्रा जी पूछ रहे थे कि आप बोलोगी आपके मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ तो क्या करें, तो मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं आप सब लोग बोलना, क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक हूँ आज की तारीख में, किसी भी संगठन से संबंधित भी नहीं आज की तारीख में बोल रही हूँ। और इसलिए मैं सबसे आखिरी में जो मेरे मर्जी में आए, वैसे शुरू में भी आपने बोला कि मुरलीधर राव जी ने भी बोला वो जिनको उनको जो बोलना है वो बोलेगी, कोई विषय नहीं। और मैंने ये कहा भी था एक प्रकार से कि मुरलीधर राव जी को बुला लो, ऐसा एक थोड़ा सा सुझाव भी दिया था कि वो आर्थिक दृष्टि से बोलना हो तो वो ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे। अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब मुझे थोड़ा अलग इसलिए बोलना पड़ेगा, सरोज मित्रा जी आप और मंच पर विराजमान आलोक जी, मुरलीधर राव जी, सभी हर एक ने अपना विषय तो बहुत अच्छा रखा, क्योंकि ये सब मैं मंजे हुए खिलाड़ी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वास्तव में मुरब्बी है अपने अपने विषय के कार्य में भी। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा अभी जैसे जो जिस भाव से शुरू से बात हो रही है, मुरलीधर राव जी ने तो बहुत व्यवस्थित तरीके से बात रखी, जितनी बीजेपी में रहते हुए वो रख सकते हैं लेकिन फिर भी स्पष्टता थी, क्योंकि ठेंगड़ी जी के साथ उन्होंने काम किया है, इसलिए विचारों में बहुत स्पष्टता, जो समझ पाएगा वो बराबर समझ रहा था। मगर अभी जब मैं सरोज मित्रा जी को सुन रही थी, मुझे कभी कभी डर लगता है, मैं बहुत धार्मिक नहीं बनती ना, मैं बहुत आस्था दिखाती, इसके पीछे एक कारण है। अभी क्या हो गया कि मित्रा जी इतने अंदर से, और मैं वास्तविक रूप से बताती हूँ कि मैं भी भगवान ने ऐसा मुझे मौका दिया कुछ कि जितने भी नाम बड़े बड़े हम ले रहे हैं उन सबके बहुत निकटता से संपर्क में आई, उनकी बातें सुनी, कई बार उनसे झगड़ा भी किया, यानी सही बताती हूँ, कई बार गुरुजी गोड़वाल से भी कुछ बातें होती थी, और वो इसलिए लिया कि वो बचपन की बात थी, मेरे पिताजी को उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार ने संघ चालक बनाया था और वो गुरुजी को भी बहुत मानते थे, आना जाना था, तो वो बचपन की बात थी, मगर इतना एक संवाद। और ठेंगड़ी जी के यहाँ तो रामदास जी बैठे हैं साउथ एवेन्यू में, करीब करीब रोज शाम को जाके बैठना, और बैठना केवल इसीलिए कि सही बात आपने, वो जो बोलते थे ना वो बहुत कुछ उसमें से बात सीखने लायक होती थी, वो सिखाते भी थे, विषयों पर भी बोलते थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे सामने बहुत से युवा भी बैठे हैं, महिलाएं भी, लड़कियां, उनको अभी वो मेरे उम्र की नहीं हुई है, ऐसी महिला कार्यकर्ता बैठी है, युवा है बैठे हुए, कि जिनको अभी बहुत कुछ काम करना है जीवन में, कुछ पाना है, और अब जिन्होंने बहुत कुछ काम कर लिया उनके लिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आपने तो सबने अनुभव किया, काम किया है, मगर मुझे आपके लिए बोलना पड़ेगा। और कभी कभी होता क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं प्रवचन करती थी, और तब मैं रामायण पे प्रवचन करते समय शुरुआत यहाँ से करती थी कि राम कोई भगवान नहीं थे, कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, ये तुम्हारे मेरे जैसे इंसान ही थे, अपने कार्यों से भगवान बन गए, उस पद को प्राप्त। और वो मैं इसलिए तब भी बोलती थी क्योंकि क्या होता है, मेरी एक मान्यता है, अभी मुझे कहा गया, मुझे मालूम है 6:30 बज गए, समय समाप्त तो हुआ है, मगर मैं अध्यक्ष हूँ कुर्सी पे बैठू या नहीं बैठू, जब तक मैं एडजोर्न नहीं करूंगी हाउस एडजोर्न तो मेरी एक मान्यता है, देखो साथ में है तो ऐसा होता है, हम भगवान जब मानते हैं, राम को मानो, कृष्ण को मानो, जो भी, फिर हमारी मानसिकता क्या होती है मालूम है, हे भगवान तू तो भगवान है,
मुझे दे दे, तू तो भगवान है, तू तो सब कुछ कर सकता है। अरे मैं कुछ भी नहीं करूँ तो मुझे पास कर दे, मैं कुछ भी नहीं करूँ तो नौकरी दे दे, तू तो भगवान है। हम क्या है, हम तो बहुत दूर की कौड़ी है, तू तो बड़ा है। यानी भगवान से भी या उस व्यक्ति से एक दूरी बन जाती है। एक और भी बनता है, तू कर सकता है हम नहीं कर सकते, ये भी भाव आ जाता है। और कई बार कुछ नहीं करने के लिए भी सहारा लिया जाता है, अरे वो तो भगवान है। मैं अगर कुछ बोलने लगूँ, अरे प्रभु राम गए ना वनवास में, प्रभु राम ने दुनिया को जाना ना, तो अरे वो तो भगवान है, ऐसा करके आप छोड़ दोगे। और इसलिए सरोज जी मुझे अब बोलना पड़ेगा। ये युवा जो बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि माननीय दत्तोपन जी ने अपने जीवन में जो काम किया है, वो काम केवल ऐसा नहीं कि दत्तोपन जी ने भामस की भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, ऐसा हम बोलते, ऐसा नहीं हुआ है। ये एक तयशुदा पॉलिसी के अंतर्गत हुआ। पॉलिसी बनाई किसने? और दत्तोपन जी का भी जो कैरेक्टर है, वो हमेशा बोलते थे, मुझे भी बताते थे, तुम्हें मालूम है, बोले गुरुजी हमें एक लाइन सुनाते थे भाषणों में कई बार। लाइन क्या थी वो दत्तोपन जी भी सुनाते थे, बोले लोगों को कैसा चाहिए होता है व्यक्ति, मगर ऐसा होना भी चाहिए कार्यकर्ता। तो बोले लाडी सखी मुझे ऐसा वर, ये कौन सी कहाँ की पंक्तियाँ मुझे नहीं मालूम है, किसी काव्य की होगी, लाडी सखी मुझे ऐसा वर पीर बावर्ची भिस्ती खर। और गुरुजी ये प्रचारक के लिए बोलते थे कि प्रचारक को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो जो वो तो ये बोल रही मुझे ऐसा पति चाहिए या ऐसा व्यक्ति चाहिए, और गुरुजी बोलते थे प्रचारक के लिए जो पीर है, पीर का मतलब अब मैं ये सब नहीं समझाती, पीर है, बावर्ची भी है, भिष्टी भी है, और खर भी, आप समझते हो, करना है उसको काम, जो भी लादेगा संघ वाले जो बोलेंगे, जो आज्ञा होगी उसके अनुसार करना है, ये सब होना चाहिए। अब मैं जो बोल रही हूँ कि माननीय दत्तोपन जी शुरू से आखिरी तक स्वयं सेवक रहे, अपने आप को केवल मानते नहीं थे, मानना बात अलग है, मैं युवाओं को बोल रही हूँ, मानना बात अलग है, रहे ये बड़ी बात है, शुरू से आखिरी तक। और इसलिए ये स्वयं सेवक या ऐसा ये बड़ा व्यक्ति बनता कैसा है, संगठन कैसा बनता है, नहीं संगठन बनाया जाता है, मगर संगठन बनाने के पीछे जो लोग रहते हैं उनको भी बनाना पड़ता है। संघ ये एक ऐसे कारखाना बोलो या कुछ भी बोलो कि वहाँ ये बनाए जाते हैं जो आखिरी तक स्वयं सेवक है। और इसलिए जब ये बात आई माननीय परम पूज्य गुरुजी के मन में बात आई, रामदास जी कुछ गलत बोलूँ तो आप तुरंत बता देना, मैं साधारणतया गलत नहीं बोलती, हाँ ऐसा आजकल मैं कहने लगी, मगर बात यह है कि माननीय गुरु जी को ये जब लगा कि श्रम विषयक क्षेत्र में हमारे लोग होना चाहिए, उस क्षेत्र में भी हमें काम करना चाहिए, बहुत ये 1950 की बात समझ लो आप, तो बोले नहीं इसमें होना चाहिए, क्या करें कैसे करें। और तब उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमें काम करना है, हमें लोग तैयार करना है। और तब दत्तोपन जी को कहा कि आप पूरे इस क्षेत्र का अभ्यास करो, आप जाके इस क्षेत्र में अभ्यास पूर्वक काम शुरू करो। अब अभ्यास पूर्वक काम कैसे शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा उस संगठन में जाके काम शुरू करो, आप समझ लो संघ का स्वयं सेवक पूजनीय गुरुजी उनको कह रहे हैं और आप जाओ। तो उस समय इंटक और कम्युनिस्टों का मिलकर के ऐसा जो संगठन पोस्टल डिपार्टमेंट का था, और वहाँ दत्तोपन जी ने काम शुरू किया था, शुरू में बिल्कुल काम एक साधारण कार्यकर्ता के नाते। करते करते एक स्थिति ऐसी आ गई
कितना यानी अभ्यास, कितना अध्ययन, कितने अंदर तक घुस गए संगठन में, ये समझ लो। ये संगठन उनका नहीं, इंटक का आपको मालूम है कांग्रेसी संगठन और कम्युनिस्टों का श्रम वालों संगठन। इन दोनों संगठनों में बहुत लंबा नहीं बताऊंगी, इतना बताऊंगी कि दत्तोपंजी इतने घुल मिल गए, इतने अंदर तक पहुंचे, उनको बहुत अपमान भी सहन करना पड़ता था। छोटे छोटे काम बताए जाते थे क्योंकि ये तो लोग जानते थे कि ये तो आरएसएस वाला है, यहाँ कहाँ आ गया ये आरएसएस वाला, ये भी होता था। मगर बिना बोले गुरुजी ने कहा है मुझे इसके अंदर तक पूरी समस्या समझना है, काम कैसे करते हैं सीखना है, अध्ययन करना है। और इसलिए वो इंटक में भी घुसे। एक समय ऐसी बात आई जो इंटक के जो प्रमुख थे, मध्य भारत क्षेत्र के होंगे, मध्य प्रदेश के, देश पांडे जी करके, तो ठेंगड़ी जी उनके पास कुछ चर्चा करने के लिए गए, मजदूरों की चर्चा या श्रमिकों की चर्चा। वो थोड़े से चिंता में थे और उन्होंने कहा तू क्या चिंता, ये क्या चर्चा लेके आया है, आज तो मेरी आवश्यकता है, तू तो इंटक में आ जा, कुछ पद संभाल ले। इतना विश्वास आप देख लो, इंटक में आ जा पद संभाल ले, ये जानते हुए। और उनको बताते हैं ये सलाह दी थी उस समय हमारे मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्रा कांग्रेस के, उन्होंने ये सब चर्चा हुई तो उन्होंने गुरुजी से जाके मिले क्योंकि वो जो कहेंगे वही करना है, उन्होंने ही कहा है। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है जाओ करो काम वहां। उसके बाद अब इसकी लंबी चर्चा नहीं करते, इतना उन्होंने काम किया कि वहां भी पदाधिकारी बने। उसके बाद वहां से उनको कहा कि अब तुम कम्युनिस्टों के संगठन में घुसो, जाओ वहां काम करो, वहां समझो। तो केरला में पहले पहले जाना पड़ा। अब केरला जाना है तो वहां की भाषा सीखना पड़ेगी, मलयालम सीखा, वहां काम करना शुरू किया। वहां से पश्चिम बंगाल जाना पड़ा तो वो भी भाषा सीखी। अध्ययन करते करते पूरा मार्क्सिज्म पढ़ा, पूरा संगठन कैसे होता है, क्या होता है, और इसमें ये अध्ययन करने के बाद कम्युनिस्टों का माइंडसेट, आप जो कह रहे हैं ना, अभी आपने कहा उन्होंने वास्तव में भविष्यवाणी जैसी ही उस समय लगा था 68 में कि कोई बोले कि रशिया समाप्त हो जाएगा, वहाँ से कम्युनिज्म इतना कम हो जाएगा, ये तो उस समय तो संभव ही नहीं लग रहा था, ठेंगड़ी जी ने कहा और हुआ भी। मगर ये केवल ऐसा नहीं है, अध्ययन है, बाकी सब चीज़ें तो अध्यात्म तो है मगर ऐसा अध्यात्म नहीं, अध्ययन के साथ आता है। और इनका उन्होंने इतना अध्ययन, इतने उसके अंदर तक चले गए, पूरा समझ लिया कि श्रमिकों का संगठन कैसे होता, क्या होता, ये समझने के बाद फिर उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की है। ये समझने की मुझे लगता है आवश्यकता है कि उनके साथ काम करते हुए संगठन कैसे करना समझते हुए। उसके बाद काम करते करते किसान संघ की भी स्थापना की, मगर किसान संघ की स्थापना भी एक दिशा देने के लिए, उनकी भी समस्या, और उन्होंने कहा कि हर किसान इस देश का नेता है, ये समझ लो, वो नहीं ले जाएगा, वो समझेगा और वो समझाएगा देश को। मगर जैसा अभी मजदूरों के लिए जो घोषणा दी कि टर्न करना, अभ्यास के साथ वो ये जानते थे कि हमें तोड़ना नहीं है, किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं है, छोड़ना है, भले गलत है तो छोड़ना है और उसको एक अच्छा मोड़ देना है, उसको मोड़ना है अपने तरीके से, है ना। इसलिए आपने जो कहा कि श्रमिकों का जो माइंडसेट बनता जा रहा था या कम्युनिस्टों ने जो बनाया था कि अधिकारियों की लड़ाई लड़ो खाली, और इसलिए यह दिया नहीं, राष्ट्र के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करेंगे फिर पूरा दाम लेंगे, ये माइंडसेट चेंज करने की कल्पना। वही किसानों के लिए भी उन्होंने कहा कि हम देश का भंडार भरेंगे मगर पूरे पैसे के साथ, पूरा उसका ये लेते हुए, देश का भंडार भरेंगे ये पहली लाइन है। आज जब किसान आंदोलन होता है और तब जैसे अभी कहा कि दूध की गंगा बहाई गई, उल्टी गंगा बहाई गई, और ये मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने बैठे हुए इसलिए नहीं,
ये मैंने बहुत बड़े कृषि सम्मेलन में बात करी, सभी किसान महिलाएं भी बैठी थी गांव की, हमारे यहाँ के किसान लोग भी बैठे थे। उसके पहले मेरे पास चर्चा के लिए आए थे, ताई बारिश नहीं हो रही, कुछ यज्ञ करना चाहिए। तो मैंने कहा आपको लगता है यज्ञ सफल होगा, कोई भी करेगा तो? बोले क्यों नहीं होगा। मैंने कहा हम तो सिखाते आए अन्नपूर्ण ब्रह्म, आपने को दूध पैरों तले रोन दिया, आपने तो सब्जी भाजी रोन दी, हम तो अपने बच्चों को सिखाते हैं आप भी। और ये मैंने सभा में कहा कि क्या आपको उचित लगा ये, क्या ये आंदोलन का तरीका है? बातें तो मनवानी है, क्या दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? आप गांव में बैठे रहते, आप बोलते हम नहीं देंगे दूध, भाव नहीं मिल रहा है तो नहीं देंगे, आपको चाहिए तो हमारे गांव में आ जाओ और वहां हमारे कीमत पे हम देंगे, मगर सड़क पे नाली में दूध बहाना क्या ये हमारी संस्कृति में है? ये प्रश्न उन्हीं को पूछा, महिलाओं को पूछा। आप बताइए, आप अपने बच्चे को बोलते हैं ना भरी थाली से उठ के नहीं जाना, थाली का पाँव नहीं लगाना, तो अगर सब्जी भाजी पाँव तले रोनने के बाद क्या भगवान प्रसन्न हो सकता है? क्या ये अपमान नहीं है अन्न का? और किसान ही करेगा तो भारत जाएगा कहाँ? ये मगर ये दत्तोपन जी ने अलग तरीके से बोला था, और आज होते तो भी अलग तरीके से बोलते। ये था कि भंडार भरेंगे, ये दिशा देने का एक काम है, क्योंकि उन्होंने कहा था मजदूर और किसान ये देश के रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने जितने भी संगठन, एक बात आपको, उन्होंने सामाजिक समरसता मंच की स्थापना की, लेकिन हम में से कितने लोगों को मालूम है कि उन्होंने अंबेडकर जी का असिस्टेंट बन के काम किया, साउथ हवेली में थे, सही है ना रामदास जी, साउथ हवेली में ही कहीं रहते थे। आप समझ लो, माननीय अंबेडकर जी का असिस्टेंट बन के हमारे ठेंगड़ी जी ने काम किया था, उनसे समझने के लिए किस तरीके से काम होता है, क्या है, और लोगों को अपना बनाना। और उस समय के बाद तो उन्होंने भी मुझे कहा कि अरे आज जैसे ये बाहर बैठता है ना, ये देख रामदास बाहर बैठा, हम जाते थे तो रामदास जी मालूम नहीं उठ के बाहर चले जाते, बोले ये जैसा बाहर बैठा था मैं भी अंबेडकर जी के यहाँ कोई आए तो मैं भी बाहर बैठता था, बैठा था क्योंकि असिस्टेंट था, मुझे नहीं सुनना। तो बोले एक बार गाँव के बहुत सारे लोग उनको मिलने आए थे, अम्बेडकर जी को, उनके समाज के थे, और आते आते चर्चा चर्चा में जब उन्होंने कहा कि एक ने कहा हमारे गांव से तो हम मार मार के ब्राह्मणों को भगा रहे, आपको मालूम है महाराष्ट्र में ये सब अस्पृश्य और ये सब चला, तो अंबेडकर जी बहुत गुस्सा हो गए थे, नेता भी कैसा होना चाहिए, और गुस्से में उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, अगर आप ब्राह्मणों को गाँव से बाहर भगा दोगे तो तुम्हें शिक्षा कौन देगा, शिक्षित कैसे हो जाओगे, कौन रहेगा तुम्हें पढ़ाने वाला, समझाने वाला, ज्ञान देने वाला, कुछ समझते भी हो? ये उनकी विचारसरणी थी, मगर अंबेडकर जी के यहाँ काम करते करते उन्होंने इतने लोगों को जोड़ा, अंबेडकर जी के मन में ऐसा विश्वास निर्माण किया कि अगर हम एक हो जाते हैं कहीं ना कहीं तो सवर्णों के वोट भी हमें भी मिल सकते हैं, हम दोनों मिल करके कहीं ना कहीं चुनाव भी जीत सकते हैं। ठेंगड़ी जी ने ये सब मेहनत करके मन में भाव निर्माण किया था, और तब अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं, केवल ये ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। और उनसे यह सब सीखते सीखते समरसता मंच की बात आई कि नहीं ये हो सकता है, मगर पहले विश्वास निर्माण किया कि हाँ ये हो सकता है और हम ये काम कर सकते हैं। और इसलिए मेरा आपको ये कहना है कि उन्होंने जो अलग अलग मंच बनाए, अब देखो एक के बाद एक, कि उन्होंने एक बात भी थी सर्व पंथ समादर मंच, मगर ये कोई बनाने के लिए नहीं मंच बनाए, जो धीरे 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 काम करते करते जो अनुभव वो एकत्रित करते गए उसमें यह सब संगठनों की स्थापना हुई। मगर संगठनों की स्थापना करते समय भी बहुत बारीकी से देखते थे, बहुत बारीकी से, ये हमें देखना है बहुत बारीकी से। मुझे एक बार याद है, एक बार बैठक ले रहे थे भारतीय मजदूर संघ की, मुझे ये इसलिए मालूम है कि ये इंदौर में बैठक हो रही थी मेरे क्षेत्र में, और दूसरे दिन कार्यकर्ताओं ने आकर के मुझे कहा भी था,
और जब कुछ बात ऐसी आई, कार्यकर्ता बढ़ाना चाहिए, ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी, बोले जल्दी जल्दी में पदाधिकारी मिले, ये मिले, पद बढ़ते जाए। अब एक बात बोले, संगठन के प्रमुखों से बात हो रही थी, उनको कहा आप एक बात तय करो कि आपको मेथी पालक की सब्जी चाहिए या आम खाना है और कुछ अच्छी चीज़, या फसल अच्छी गेहूँ की या ऐसी चाहिए। मतलब कार्यकर्ताओं की फसल कैसी चाहिए, क्योंकि बोले मेथी की सब्जी पालक तो होता है, थोड़े ही दिनों में होता है, काट के खाऊं फेंक भी दूं, और अगर गेहूं जैसी फसल उगाना हो जो रहेगी, जो टिकेगी, जो साल भर तक गेहूं काम आएगा, या और भी कई उदाहरण दिए, तो बोले मेहनत 6-6 महीने तक भी करना पड़ती है, राह देखना पड़ती है। तो कार्यकर्ता कैसे तैयार करना, ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों से समझाते थे। एक बात आपको बताऊं कि जब स्वदेशी जागरण मंच, उसकी भी स्थापना मुरलीधर राव जी ने बहुत सुंदर तरीके से सब बातें बताई, मैं एक ही बात आपको बताना चाहूँगी। आज जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और वास्तव में उसमें चर्चा जब होती है, मैं आपको ये बात बताऊँ कि मुरलीधर राव जी ने सही कहा, मैं भी अभी स्पीकर के नाते अलग अलग देशों में जब जाती हूँ, तो एक ज़माना ऐसा था चर्चाओं में कि ये बड़े देश क्या कहते हैं उसको महत्व था। अब देखा जाता है कि भारत की स्पीकर क्या बोलेगी, भारत के लोग क्या बोलेंगे, बैठक में भारत के प्रतिनिधि अगर आते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, ये एक परिवर्तन। मगर उस समय भी माननीय ठेंगड़ी जी जब काम करते थे स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के समय भी, और ये सब जब WTO सब बातें चल रही थी, तो डेवलपिंग कंट्रीज, फिर उसमें मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इसका वो सखोल अभ्यास करते थे कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की कौन सी चीज़ें हमें अच्छी मिलेगी, हमारे लिए अच्छी है, वहाँ व्यवस्था अगर मलेशिया के वहाँ के राष्ट्रपति ने कुछ खड़ी की है तो वो कैसी खड़ी की, हम क्या कर सकते हैं, क्या उसके पीछे। मैं आपको बताऊं, आज भी एक बात हुई, मैं वियतनाम गई थी, आप सब जानते हो अभी तक वियतनाम जैसा देश ये लड़ाई लड़ रहा था, वो लड़ाई हमने भी कई लोगों ने TV पे देखी, अभी तक ऐसा लगता है, कोई ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं वियतनाम को स्वतंत्र हुए कहूँ, एक अपना देश बनाते हुए। मगर आज जब मैं वियतनाम गई, मैं देख के आश्चर्यचकित रह गई, कितनी प्रगति उस देश ने कैसी की, क्यों की, लोगों के क्या संस्कार है, कैसे लोग अनुशासन का पालन करते, बाकी कुछ चीज़ें नहीं ले, जो हमारे लिए आवश्यक वो तो हम ले सकते हैं। और ये अभ्यास की दृष्टि सबको ठेंगड़ी जी ने दी, मगर वो खुद उसमें अभ्यास करते थे, ये बड़ी बात है। और एक दो बातें केवल कह के मैं समाप्त करूँगी कि उनका जो एक कहना था, आज हमें बहुत सोचना पड़ेगा, बिना सोचे वो कहते थे पश्चिमी देशों की नकल करके नहीं चलेगा, हमारी अपनी मूल्य प्रणाली क्या है ये सोच करके काम करना है। और मुरलीधर राव जी, आप कई सारी बातें अभी कह रहे थे, मगर उन्होंने जो एक बात कही है वो जो महत्वपूर्ण बात है, वो आज अगर हम ध्यान में रखें कि हमारी पद्धति क्या है काम करने की, हमारी पद्धति उपभोक्ता की नहीं है, उपभोक्तावाद, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करो। बाहर के देशों में कुछ ऐसा है कि बहुत सारा उत्पादन भी करो, बहुत सारा उपभोग भी करो। हमारे यहाँ की जो थ्योरी है संयमित उपभोग, यानी वही पता है भारतीय मूल्य, और आगे जाकर के वही होगा। संयमित उपभोग की बात वो करते थे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब बात आती है SDG की भी बात है, प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात, और स्वदेशी जागरण मंच की मिले, मैं कहना चाहूँगी कि उस समय एक बार उन्होंने मुझे एक छोटी बात कही थी, बातों बातों में कुछ कह जाते थे, बहुत बड़ी बात होती थी। बोले तुम्हें मालूम है हमारे यहाँ शादी का जो महत्व है, विवाह समारोह का बहुत महत्व है। मैं भी हंसने लगी। हाँ बोले तू हंस, मैंने शादी नहीं करी है, मुझे मालूम है।
बोले विवाह समारोह जो हमारे यहाँ के है हिंदुस्तान के विवाह, बोले मैं गांव के विवाह समारोह की बात कर रहा हूँ, पुराने जमाने से आज तक सोचो। आजकल तुम लड़कों को लगता है लड़के लड़कियां नए नए रजिस्टर्ड मैरिज करो हो जाए, मगर हमारी जो पद्धति है पूरे गांव की बात सोची जाती थी। मैंने कहा गांव की बात? बोले हाँ, एक विवाह में जिसको वहाँ महाराष्ट्र में 12 बलूतेदार बोलते हैं, बोले विवाह में नाई भी लगेगा, चूड़ियों के लिए वो भी लगेगा, चूड़ियाँ भी चाहिए तो वो चूड़ी वाला भी लगेगा, सुनार भी लगेगा, मटके वाला भी लगेगा, कुमार भी लगेगा, हर एक के हाथ को एक विवाह में काम मिलता है। यानी गांव के हर व्यवसाय करने वाले को गांव में ही काम मिलता है, वही होता है, वो अच्छे से अच्छा काम करने की सोचता है। अगर ऐसे अच्छे पैसे वहीं के वहीं मिले तो, यानी गांव के जो अलग अलग काम करने वाले छोटे छोटे व्यवसायी वो वहीं पनपते हैं। और एक गांव में जब पहले ज़माने के पहले एक पद्धति थी, जब गांव में किसी का बड़े इस घर में विवाह होता था तो एक साल भर का अनाज किसी आश्रम को दे आता था, क्योंकि आश्रम में उस समय पढ़ाई होती थी, बच्चे खाते थे, बच्चों की व्यवस्था होती थी। तो एक विवाह में इतने सारे काम होते थे, ये भारतीय पद्धति है। अब मुरलीधर राव जी आप तो नहीं बोले, स्किल डेवलपमेंट है ना, मेक इन इंडिया है, क्या है, ऑल दिस थिंग्स, कहीं ना कहीं उन्होंने ये शब्द स्किल डेवलपमेंट तो बात नहीं करे, मगर भारतीय पद्धति से काम करो, हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ गांव गांव में जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे काम अच्छा करना सीखेंगे और उसका हम कैसे उपयोग ले सकेंगे ये सोचना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बात उन्होंने उस समय कही थी, और आज मुझे इसलिए लगता है कि ये बात हमें कुछ बातें, जब हम आर्थिक स्थिति की भी बात करेंगे, और आपने कहा बात सही है, सेविंग की बात है या कुछ कई सारी चीज़ें हैं, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था और एक बात उन्होंने जो कही थी, आज भी वो बात ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा था कि ना हमें वो प्रणाली चाहिए, अमेरिकन प्रणाली कहो या कुछ, कि 1% जैसे अभी मुरलीधर राव जी बोल के कुछ एक लोग बहुत ये है और बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो लड़ाई 1% वर्सेस रेस्ट, ऐसी भी लड़ाई नहीं चलेगी। या दूसरी उन्होंने कहा मार्क्सिस्ट जैसी भी नहीं लड़ाई चलेगी, और इसलिए उन्होंने थर्ड वे की बात करी थी। मैं उस किताब की बात नहीं कर रही, मगर अब इस पर मुरलीधर राव जी बात कैसे शुरू हो गई। अभी आपको मालूम है जो नोबल पुरस्कार मिला है, युवाओं को मैं कहूँगी अभ्यास करो निकालो, वो जो नोबल पुरस्कार एक इकोनॉमिस्ट को मिला है उसका नाम है रिचर्ड थेलर, और इस रिचर्ड थेलर ने जो अपनी बात कही है, उसने कुछ लिखा भी है, उसके लिखने में एक पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर का हेडिंग है थर्ड वे, आप बात समझ लो। और वो ये बात उसके इसमें भी कुछ इसी प्रकार की बात है कि संपूर्ण समाज की सहभागिता, इस विषय को उसने उनके तरीके से छेड़ा है, मगर कहीं ना कहीं ये जो बात है कि हाँ ऐसा भी एक रास्ता हो सकता है, मगर ये ऐसा नहीं कि उनको बुद्धिमत्ता भगवान ने दी होगी, मगर उसको कैसे तराशा गया, संघ के द्वारा तराशा गया। हर उस कदम में वो जा करके संघ से पूछते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उनकी। जब हम किसी भी बड़े व्यक्ति, ऐसे कई सारे बड़े व्यक्ति है, उस बड़े व्यक्ति की जीवनी हमने इस तरीके से पढ़ना है तो हमें कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। और मैं एक कहूँगी कि पद की बात आती है, उनको भी कई पद मिल सकते थे वगैरह बात आई, एक जो उनका अपना विचार है, मुझे उन्होंने एक बार कहा था, तुम्हें मालूम है, बोले सुमित्रा नेपोलियन हमेशा कहता था, वो उदाहरण भी ऐसे देते थे क्योंकि उनको मालूम कि हम लोगों को हमारे यहाँ के उदाहरण बाद में समझ में आते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति तो लगता हाँ ये कुछ बात है, मगर वो किस तरीके से बोलते थे
बोले ध्यान से रे लिख ले, कई बार मुझे भी बोलते थे लिख ले नहीं तो भूल जाएगी बाद में। और वास्तव में उनसे बातचीत करके आने के बाद मैं अपनी डायरी में नोट करती थी, आपको बता रही हूँ, नोट करती थी कुछ चीज़ें। तो उन्होंने उस समय कहा था कि नेपोलियन कहता है कि मेन आर लाइक फिगर्स, मेन आर लाइक फिगर्स, दे आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन दे ऑक्यूपाई। ये उसकी धारणा थी, नेपोलियन का स्वभाव आप जानते हो, ये उसकी धारणा थी। उन्होंने कहा देखो 1111 एक ही है ना शब्दुर, उदाहरण देता था नेपोलियन 1111, मगर बोले वो एक कहाँ बैठा हुआ है। आज हमें लगता है ना, दो चार साल काम किया ताई कुछ पद नहीं मिला, माफ करना होता है, मन में टसक फूट जाती है। अभी तक नहीं बोले मुरलीधर राव बहुत जल्दी महामंत्री बन गए, अखर मैं तो सालों से काम कर रहा हूँ, ये पद पद बोल, मगर ऐसा नहीं होता। तो मुझे ठेंगड़ी जी ने कहा तुम्हें मालूम है जगत जेता नेपोलियन, तुम्हें भी ठीक लग रहा है ना, तू तो सांसद बन गई है तभी तुम्हारा सम्मान है, लेकिन बोले एक बात ध्यान में रख, ये नेपोलियन कहता था जो नष्ट भी हो गया, जगत जेता कहने वाला नहीं है कहीं उसका प्रभाव। बोले हमारी जो भारतीय प्रणाली है, हमारे यहाँ जो कल्पना की गई है, हमें ये सिखाया गया है। और फिर उन्होंने एक मुझे लाइन बोल के दिखाई, बोले एक बात ध्यान में रख, नेपोलियन कहता है कि पद के अनुसार व्यक्ति का बड़प्पन है, व्यक्ति कहाँ बैठा है उस पर उसका बड़प्पन है ना। बोले ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कहते कहा जाता है प्रासाद शिखरस्तोपी काको न गरुड़ आयते। संस्कृत जो नहीं समझता उनके लिए मैं बताऊं, उनका कहना था कि बड़े ऊंचे प्रासाद के शिखर पर कौवा भी बैठता है तो वो गरुड़ नहीं बन सकता ना, गरुड़ गरुड़ तो वो कहाँ बैठा है इस पर से बड़प्पन नहीं है, तुम में क्या गुण है। और इसलिए आज कहते हैं कि हमें बोलते हैं कि इतने साल बाद, और मुरलीधर राव जी ने तो कहा आने वाले समय में जो ठेंगड़ी जी ने बातें कही थी वो साबित भी हो जाएगी क्योंकि पहले हो चुकी है, ये उन्होंने कहा। और उनके जो विचार है वो विचार कैसे लुप्त तो होने वाले नहीं, क्योंकि एक तो संगठन से निकले हुए, संस्कारों से निकले हुए और भारतीय मिट्टी से पक्के जुड़े हुए, ऐसे ये सब संस्कार और विचार है। तो उन्होंने एक बार जो कहा था तो मुझे कभी कभी लगता है कि उन्होंने अपने मन में ये बात पक्की रखी थी कि मुझे बनना क्या है आखिर जीवन में, अगर मुझे भगवान ने बुद्धि दी है, अगर परम पूज्य गुरु जी जैसे गुरु मेरे पास है वो मुझे सिखा रहे हैं तो क्या करना है, जीवन क्या मेरा कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ही एक वाक्य मुझे बोला था, मुझे आज वो याद आता है कि हो सकता है ये उन्होंने अपने मन पे लिखा होगा कि मुझे ऐसा बड़ा बनना है। तो मुझे उन्होंने कहा था एक बात हमेशा ध्यान रख, व्हाट इज़ ए ग्रेट मैन, तू किसको कहेगी बड़ा व्यक्ति, कौन बड़ा व्यक्ति है, व्हाट इज़ ए ग्रेट मैन, ग्रेट मैन इज दैट लेंथ ऑफ वंस शैडो ऑन फ्यूचर कितनी पड़ रही है, फ्यूचर पे भविष्य पे उसका उसके कार्य की छाया कितनी लंबी पड़ रही है, कितने लंबे भविष्य पे पड़ रही है, उस पर उस व्यक्ति की ग्रेटनेस रहती है। ये वो शायद मुझे भी इसलिए मैंने लिख के भी रखा कि बड़ा अगर बनना है तो मुझे ये सोचना है, मुझे इस तरीके से काम करना पड़ेगा, मुझे ये अपना चिंतन इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसकी छाया, कार्यों की छाया ये कहीं ना कहीं, जितनी आज मैं किस पर कहाँ हूँ इसलिए बड़प्पन नहीं होगा, तो बड़प्पन तो उसमें है आप जो आज चिंतन करते हो, आज जो काम करते हो उसकी भविष्य में कितनी देर तक या तो याद रखे जाते हो या आने वाला भविष्य आपको याद करता है, आपके कार्य उस समय सफल होते दिखते हैं, इस पर व्यक्ति का बड़प्पन रहता है। तो मुझे लगता है कि माननीय दत्तोपन जी को हर साल हम याद करते हैं, और क्यों करते हैं इसके पीछे ये भाव है। कभी कभी लगता है उन्होंने जो एक एक संगठन स्थापन किया ना उसका भी बारीकी से अभ्यास युवाओं ने करना चाहिए, उस पर भी बोलने वाला कोई आए आपको समझाए।
और केवल दत्तोपन जी नहीं, ऐसे अनेक लोग संघ ने निर्माण किए हैं, आज एकनाथ जी राधे कहो या किसी के भी जीवन को। तो एक सोच जो निकली, उस सोच को पकड़ करके अपना कद बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए, अनुभव लेते हुए, और जैसा कहा जाता है कि दत्तोपन जी भी दूसरे के यहाँ रहे, अम्बेडकर जी का असिस्टेंट हाँ वो बन के रहूँगा, मार्क्सवादी पार्टी में काम करना केरला में जाके रहूँगा, कोई मुझे कहे भी आरएसएस वाला है तो भी वो सब सुनते हुए, क्योंकि मुझे कुछ सीखना है। तो कई बार बोलते हैं ना, चींटी होकर भी शक्कर खाना है, चींटी होकर जब शक्कर खाओगे तो ही वो मधुरता आगे जाकर के जीवन में काम आती है। तो दत्तोपन जी का जीवन ऐसा था, और युवाओं ने ये बात ध्यान में रखना है कि मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता, पद से कोई बड़ा नहीं होता, अपने चिंतन से अपने कार्य से मुझे कुछ प्राप्त करना है।